वेलकम बैक टू माई चैनल अपनी रसोई। आज हम एक इटालियन डिश बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए स्वीट कॉर्न 1/4 कप, इसे मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है। ये है 1/2 कप ब्रोकली, इसे भी मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है। और यहाँ है रेड और ग्रीन कैप्सिकम प्लस गार्लिक, इसे हम पानी से निकाल लेंगे सभी चीज़ों को। और देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने पानी से बहुत अच्छे से निकाल के ड्रेन आउट करके एक क्विक इसे हम ग्राइंड देंगे। ये देखिए इसे हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर नहीं करना है, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, केवल इसे मैंने क्विक ग्राइंड दिया है। यहाँ पैन में डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच ऑलिव ऑयल, यहाँ ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे वेजिटेबल का। वेजीज आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, यदि आपको मशरूम पसंद है तो आप मशरूम भी ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, या कुछ इसमें स्पिनच भी डालते हैं। लेकिन अभी रेनी सीजन है, जैसा कि रेनी सीजन में स्पिनच या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कीड़े वगैरह आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं छोटे छोटे, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। इसके मैं ऐड करूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। इसमें ऐड करेंगे हम ये हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं यदि आपको नहीं यूज़ करना है तो। देखिए इसका मॉइस्चर फिल हो गया सब्जियों का, इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा पनीर, इसे हम ग्रेट कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से इसका टेक्सचर आ जाए। ये देखिए मेरे पास है मारियाना सॉस, और ये आप टमाटो सॉस भी ले सकते हैं या पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इसे मैं एक डिश में डालूँगी। देखिए यहाँ एक डिश लिया मैंने, ग्लास का डिश, और उसमें एक लेयर सेट कर देते हैं इस तरीके से। और ये हैं पास्ता शेल्स, इन्हें मैंने कुक करके रखा हुआ है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं पैकेट्स पे वैसे ही एकदम सेम मैंने कुक किया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसे मैंने बॉइल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल के साथ में 9 to 10 मिनट्स बॉईल करके ड्रेन आउट करके और इसमें ऑयलिंग करके रखा हुआ है ताकि ये स्टिक ना हो जाए, एंड प्लीज़ मेक श्योर दे डोंट स्टिक। हमने मिक्सचर बनाया था सब्जियों का, ये हम इनमें फिल करेंगे 1 by 1, थोड़ा पेशेंस का काम है बट ये बहुत अच्छी रेसिपी बनने जा रही है। तो इस तरीके से, और हम इन्हें इस लेयर पर सेट करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए अभी हमने सारा फिल करके अरेंज कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। और अब इनके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से ये सॉस की एक लेयर और कर देते हैं। कंप्लीट कवर नहीं करना है, केवल आपको ड्रिजल करना है। अब इस पर हम डालेंगे चीज, मैंने यहाँ मोज़रेला चीज यूज किया है, आप प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम ऊपर से फिर से डालेंगे सॉस, स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेजिल्स, फ्रेश बेजिल्स जो कि तुलसी का पत्ता है, इससे बहुत अच्छा अरोमा आएगा हमारी डिश में। नाउ दिस डिश इज रेडी टू गो इनसाइड द ओवन। आई हैव प्री हीटेड द ओवन एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड I'm going to put it inside to bake it for next 15 to 20 minutes at the same temperature. Wow. See?
see this lovely color on this dish, big dish, stuffed pasta shells. बहुत ही अच्छा बेक डिश हुआ है आपके लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.